इंदौर संभाग के ग्राम भौरा सलाम में अरविंदो हॉस्पिटल के पीछे भगवत कथा वाचक मालवा माटी के युवा संत पंडित जितेंद्र पाठक 7 दिन कथा वाचन करेंगे। यह कथा 11 मार्च से 17 मार्च तक चलेगी। प्रथम दिवस कथा में कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कन्या कलश लेकर राम मंदिर होते हुए कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा 9 बजे शुरू होगी, उसके बाद 12 से 3 नित्य कथा का समय रहेगा। गुरुजी ने बताया कि दिनांक 14 मार्च को कृष्ण जन्म और 16 को रुक्मणी विवाह करके 17 मार्च को समापन रहेगा। श्री कृष्णा जय श्री राधे। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारा निःशुल्क 108 भागवत कथा का संकल्प है, उस कथा की श्रृंखला में 54 नंबर की कथा हमारी इंदौर के पास अरविंदो हॉस्पिटल के पीछे भौरासला में 11 मार्च से 17 मार्च रहेगी, जिसका समय 12 से 3 रहेगा। आप पहले दिन 11 तारीख में कलश यात्रा में 9 बजे से 11 के बीच आप कलश यात्रा में पधारें। उसके बाद 18 से 24 नवंबर जूना रिसाला भागवत कथा में आप सभी पधारें। 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ग्राम बालोदा टाकुन में भागवत कथा रहेगी, जिसका समय 12 से 3 रहेगा, आप उसमें पधारें। 9 अप्रैल से 15 अप्रैल सिद्धार्थ नगर गांधीनगर पेट्रोल पंप के सामने, उसका भी समय 12 से 3 रहेगा, आप उसमें भी पधारें। आप सभी का सभी भागवत कथा निःशुल्क, जैसा कि मैं इस श्रृंखला में ये चल रहा है, आप इसमें पधारें। और आप भी अपने पितरों के निमित्त, और आने वाला अधिक मास का समय है, इसमें आप अपने पितरों के निमित्त कथा के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9691036439। तो आप एक बार पुनः आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।